और मैं प्रार्थना करूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा, कि वाइस माता ने जान ली है और लगातार उसमें मास्टर करेगा शिक्षा को और मोबाइल मॉडल नेपाल में हमारी 27 तारीख से हमारा गेम स्टार्ट हुआ और 3 तक चला। उसके अंदर हमारे 4 मैच हुए और सेमीफाइनल हमारा मैच श्रीलंका के साथ आया, वो इजीली हमने जीत लिया था 3 सेट। लेकिन फाइनल के अंदर टीम पाकिस्तान के साथ हमारा फाइनल मैच था, उसके अंदर फर्स्ट सेट पाकिस्तान टीम ने जीत लिया था, लेकिन नेक्स्ट 3 सेट इंडिया टीम ने जीत लिया। और इस पाकिस्तान के साथ वैसे भी हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं रहते, तो इसलिए बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हमारा जो नज़रिया होता है वो ये नहीं रहता कि हम देश के साथ कैसे संबंध है, हम एज ए प्लेयर एज ए टीम खेलते हैं और हमने वो मैच खेला और जीते। बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? बच्चों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप भी ऐसी मेहनत करें और मेहनत से ही सब कुछ संभव है। ये नहीं है कि आप हार जाओगे तो घर बैठ जाओगे, और आपको मेहनत करनी चाहिए। 10-12 साल का परिश्रम है इसके पीछे, तभी जाकर मेडल आते हैं देश के लिए, और आप भी ऐसी मेहनत करते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सिरसा ज़िला के इस खिलाड़ी ने, वॉलीबॉल टीम के नेशनल टीम के कप्तान थे, नेशनल टीम के कप्तान होना ही अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है सिरसा ज़िला के लिए। और उसके बाद ये टीम जो नेपाल में एशियन चैम्पियनशिप हो रही है उसमें इस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, वास्तव में बहुत खुशी और गौरव की बात है। और इसीलिए आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया ताकि जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी इनसे प्रेरणा लें और अमित से बहुत कुछ सीखें।